असलम एंड वेलकम टू जोर का जोर आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे अनादर डे अनादर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस एंड डेफिनेटली समथिंग नॉट रियली गुड बिकॉज जिस तरह कल परफॉर्मेंस रही टीम पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टी ट्वेंटी uh, जो पहला खेला गया उसमें जो परफॉर्मेंस रही क्या क्या फ्लॉस थे क्या क्या मसले थे एंड अगैन हम घूम फिर कैसा लगता है वहीं आ गए हैं वही ओपनिंग पेयर वही डिबेट वही इशू वही मसला टेकिंग ए डीप डाउन एंड नॉट फिनिशिंग योर जॉब बहुत सारे मसाइलें उसके हवाले से डिस्कस करेंगे साथ ही साथ यस, चैम्पियंस कप टी ट्वेंटी भी जारी है वहां क्या क्या हो रहा है बड़ी खुश नसीब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी पे लोगों की बहुत नजर है पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा इस बहस से में इसलिए चैंपियंस कप टी ट्वेंटी पे जो नजर नहीं जा रही है उस पर भी बात करना जरूरी है कि क्या क्या फ्लॉज है उस ट्रॉफी भी बात होगी मैं हूं सवेरा पाशा और और मेरे साथ मौजूद हाफिज मोहम्मद इमरान बिल्कुल अभी से कुछ देर पहले सवेरा मॉडल के बारे में खबर मिली है कि शायद भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसी से इस पर रजामंद है लेकिन फाइनल का मसला अभी तक और जो नॉकआउट मैच है उसका भी अपनी जगह पर मौजूद है क्या ये एक आगे बढ़ने का रास्ता होगा पाकिस्तान के लिए या फिर यहाँ से एक और डेड लॉक हो सकता है ये वो सारी चीजें हैं जो जेरे पैसा आएंगी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तमाम मौजूद पर गुफ करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबक चीफ सेलेक्टर जनाब अज़र खान साहब सलाम खान साहब वाल्मीम बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनके साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ अब्दुल रऊफ़ साहब वाली बहुत बहुत शुक्रिया आपका रऊफ साहब पाकिस्तान हार गया पहला मैच जैसे अभी सवेरा ने कहा कि वही घूम फिर हम वहीं पर आ गए हैं ये क्या मसला है मतलब जॉर्ज लिंडे काबू काबू नहीं आते डेविड मिलर काबू नहीं आते टीम काबू में आती है उसके बाद निकल जाती है जॉर्ज लिंडे को हम हैट्रिक कराने वाले थे या। <laughs> और जॉर्ज लिंडे देखें कि वो मेरा ख्याल है कि दो और ढाई साल के बाद उसका कम बैक हुआ और उसके बाद उसने पाकिस्तान की बैटिंग को आउट क्लास करके रख दिया और ये सिर्फ पहला मैच जिस तरह आपने बात की पहला नहीं है बल्कि ये सात मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ है टी ट्वेंटी में उसके बाद आप जंबावे गए जंबावे से एक मैच आ रहा पाकिस्तान दो मैचेस वहाँ पे जीते हैं और ये पहला मैच आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सात मैचेस में से

देखे ना कि अगर आपने किसी को कैप्टन बुलाया तो फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए एक विजन होना चाहिए आपकी yes. सोच में हाँ. और उसमें फिर उसको टाइम देना चाहिए देखिए यही तो चीज़ है कि एक तो आप सोचते नहीं है hmm. और फिर आप पॉलिसी बना पॉलिसी बना देते हैं और फिर पॉलिसी के बाद जो उसको इम्प्लीमेंटेशन होती है वो भी आप सही तरीके से नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते hmm. और ड्यूरिंग द आप सीरीज आप कैप्टन को भी हटा देते हैं फिर ना सिर्फ हटा देना बल्कि उसको टीम से ड्रॉप कर देना यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर hmm. बिल्कुल सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये इधर से उधर उधर से उधर फॉरन प्रेशर ले लेना अपनी डिसीजंस को बैक ना करना अजहर साहब एक बहुत मेजर डिसीजन जिसको बैक नहीं किया गया uh, मोहम्मद हफीज आए तो मोहम्मद हफीज ने बाकायदा इल्तजा करके रिक्वेस्ट करके बाबर आजम से कहा कि नहीं जी आप एक वन डाउन पे आए कि हम किसी और एक ओपनर को चले रिजवान क्योंकि रिजवान तो तैयार नहीं थे हटने के अब तो कैप्टन बन गए रिजवान ऑल पावरफुल रिजवान वापस आकिब जावेद के आने के बावजूद वापस हम उसी स्क्वायर वन पे आ गए हैं लग रहा था कि वो तब्दीलियां करेंगे मगर डरते हैं क्या हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स सीनियर क्रिकेटर्स इन क्रिकेटर्स के सामने कोई डिसीजन लेने से वाई बाबर रिजवान ओपनिंग पेरा क्या नहीं देखें आप अपने डिसीजन को ना खुद ही न्योलीफाई करते हैं प्लान you know, जो आपका था कि जी बाबर ने और रिजवान ने ओपन करनी है और यू कैप्ट ऑन चेंजिंग इवन के ये ज़रूरी नहीं है कि जम्बाव्यू है या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका है बट यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइस एंड क्लियर इन योर माइंड क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आपके टॉप चार प्लेयर्स हैं hmm. यही जो है ना अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी टीम ये ओपन yes. भी करेंगे नंबर तीन भी आएगा और चार भी आएगा अब अब आप, आप देखें कि साई मयूब की अगर आप बात करें तो साइम जो है ना वो टी ट्वेंटी में प्लेयर टू गो एट नंबर वन और वहां वो एक्सप्रेस करना उसको आता है hmm. उसको वो जो पावर पावर प्ले प्ले का exactly, को, इ, को उसको यूटिलाइज करना आता है एंड ही हैज दिस टू हिट द बॉल जो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिडल और लेग पे होगा ना लेग और मिड विकेट की तरफ बहुत जोर से हिट मारता है एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग तो एकदम आपने उसको ड्रॉ नंबर तीन पर ले आए एंड बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिजवान मोहम्मद अच्छा यहीं पे अब्दुल रोहसा भी जो तो साइम आए हैं नंबर तीन पर क्या वजह है क्यों पाकिस्तान उस पर जोड़ा हुआ है क्या रिजवान बहसी कप्तान नहीं चाहते हैं कि साइम के साथ वो ओपन करें देखिए जिस तरह अजहर भाई ने बात की ना बिल्कुल इनको ठीक बात इन्होंने की है कि क्लैरिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी आपके डिसीजन में नहीं है आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना इस तरीके से आप कभी भी आ, आगे नहीं बढ़ सकते देखिए आपको पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि आप दो स्टेप आगे जाते एक स्टेप आगे जाते हैं तीन स्टेप वापस आ जाते हैं बैठो और फिर उसी जगह पे एक साल के बाद आप खड़े रहते हैं इसकी वजह ये क्या है कि आपका जो विजन विजन ही नहीं है आपका आपको पता ही नहीं कि पॉलिसी बनानी कैसे है फिर सबसे बड़ा जिस तरह इन्होंने बात की है कि हफीज आए थे मिसबा आए थे अभी आकिब जावेद आए हैं तो देखिए ये असल चीज असल प्रॉब्लम यहाँ पे है आपकी मैनेजमेंट में देखिए जब आपने किसी को हेड कोच बनाना होता है ना तो आप उसकी एडवर्टाइज करते हैं जिस पोस्ट को उस पोस्ट पे आप अगर देखें तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं कि हेड कोच के लिए ये एजुकेशन रिक्वायर्ड है ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ये उसका तजर्बा होना बै, चाहिए बैकग्राउंड ये होना चाहिए एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, चाहिए। फिर उसने कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ ग्रास रूट पे उसकी डेवलपमेंट किया किन किन कंट्रीज के साथ कहाँ पे उसने काम किया हुआ ये सारी चीजें हेड कोच के रोज में आ जाती है फिर सिर्फ ये नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम उसने चलानी

दुनिया के टॉप टॉप सुपरस्टार्स उस दौर के खेल रहे थे खेल रहे थे शेन वान मैग्रा स्टीवा जैसे लोगों को उन्होंने कंट्रोल में रखा अपनी पॉलिसीज दी इम्प्लीमेंट करवाई सारा ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर बिल्ड किया डोमेस्टिक से टॉप तक और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक स्मूथली उसको चला के लेकर गए हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना उसका वीएन इसमें बिल्कुल भी नहीं क्लैरिटी नहीं है उनको पता ही नहीं है किसको बनाना हमारे साथ दोपहर को एक बंदा कोचिंग लेवल टू कोर्स कर रहा होता है और शाम के वक्त तो पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगा होता है मैनेजर लगा होता है नॉन क्लैरिटी की तो बात वहीं से क्लियर हो जाती है कि आप गैरी के स्टेक पे जो है आप आकिब जावेद साहब को लेकर आते हैं टफ डिसीजंस है, लेते हैं मगर वो टफ और इंटरनली कुछ सही नहीं हो रहा है वापस हम उसी स्क्वायर वन पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो टी ट्वेंटी की टीम खेली थी क्यों हम फॉलो अप करके उसी टीम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे टी ट्वेंटी अब हमारा फोकस ट्वेंटी में है

हम आपको में और एक चीज खान साहब इजाफा हो जाता है हां वो भी दो टीमें वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट पे है ना अब आप आप देखें कि जो टी20 है ना जैसे रोहित ने बात की कि इसकी जो डायनेमिक्स है ना वो चेंज हो गई हुई है अगर आप इस मैच को माइन्यूटली अगर आपने देखा हो ना तो इसमें ना अब एज ए क्रिकेटर मैं अगर देख रहा हूं ना तो मुझे जो 20वां ओवर था ना वो सबसे इम्पोर्टेंट लगा विच हैज चेंज द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम बीसवा ओवर वाइल वी वर बोलिंग एज अ बोलर किससे ओवर किया hmm. आपके वो खबे ने लेफ्ट आर्म चाइना मैन ने hmm. अब उसने 19 रन दिए hmm. अब उस 19 रन से क्या हुआ कि जो एक मोमेंटम जो होता है ना वो शिफ्ट कर गया किसकी तरफ उन आप आप 160 से लिया तो उससे क्या जाहिर हुआ कि अब पाकिस्तान की टीम के पास कम बैक करने के लिए आपके पहले तीन या चार प्लेयर जो थे ना हाँ। उनको परफॉर्म करना उनको रन करने थे आपका हमारा जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान वो अगर छत्तीस रन कर रहा है फोर्टी फोर बॉलों में तो मुझे ये बताएं कि माइंड सेट क्या होगा और कहाँ पर आपकी टीम पास गेंदों पर उन्होंने जो चौहत्तर रन बोर्ड किया था इस पर एक और भी है जिस तरह से अभी सवेरा बात कर रहे हैं सर बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के हवाले से लोग भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं लोग भी ये कह कहते हैं कि क्या उनका क्या ख्याल है तो लोगों की राय भी है खान साहब क्या ख्याल है आप बता दीजिए अवाम क्या कहती है बाबर आवाम क्या कहती है जी बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के बारे में ये ज़रा सुने नहीं सर बाबर और ज़ुवान को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए इनकी जगह कोई ऐसा बंदा आना चाहिए कि जो पावर हिट कर सके जी मेरे ख्याल से हमने काफ़ी दफ़ा देखिए ये पेड़ को ओपनिंग करते हुए आई थिंक किसौर को भी चांस देना चाहिए हम दोनों का जो गेम प्लान है वो यही है कि वो जो है तो बिल्कुल आते साथ ही हटिंग नहीं करते चौकों पर इन्हसार करते विकेट निकल गई दोनों की तो उसके बाद हमारे पास पीछे खेलने वाले कोई नहीं होते बाबर रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए बाबर बहुत टैलेंटेड प्लेयर है बाबर रिजवान वही टिपिकल टिप 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 ये सब नहीं देखना यार यार बाबर आजम को तो वन डाउन खेलना चाहिए आई थिंक सायम मयूब को पहले आना चाहिए साहब ओपनिंग पेयर से चेंज करना ही कामयाबी की तरफ बड़ा बढ़ सकता है पाकिस्तान अगर नहीं करते हैं तो फिर यही है नतयज रहेंगे मतलब ये सवाल हम तीन साल पहले भी आपसे पूछते हैं दो साल पहले भी आपसे पूछते, भी। भी पूछते हैं आप और ये मेरा ख्याल है कि अगले दो साल के बाद भी आप हैं। <laughs> <laughs> क्योंकि आप देखेंगे आपने इन दो के लिए और काफी ज्यादा जो आपका ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है

आपके सिलेक्टर ने मोहम्मद चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने डोमेस्टिक को कि अगर टीम में खेलना है तो में खेलना ये भी कहा आ, बाद में आ, आ. कि ये तो किसी की मानते भी नहीं है एग्जैक्टली है पावर किसने दी है प्लेयर पावर कौन बनाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता है ना जब आपकी हाई लेवल पे मैनेजमेंट कमजोर होगी तो उसके बाद फिर आपके प्लेयर्स पावर डेवलप होगी क्योंकि जब आपकी जो जो हाई मैनेजमेंट है वो अगर स्ट्रांग हो तो वो प्लेयर पावर डेवलप ही नहीं होने देते वो तो मेरिट पर चांसेस देते हैं अगर आप मेरिट पर खेल रहे हैं तो आप ठीक है खेलते जाए अगर नहीं मेरिट पर खेल रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो डैमेज हो रहे हैं तो फिर आप किसी के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए तो आपने स्पोर्टिंग स्टाफ साथ ही रखा हुआ है जो आपके हेड कोच होते हैं मैनेजमेंट होती है मैनेजर होते हैं है, उनकी यही ड्यूटी होती है ना कि वो आगे प्रॉपरली रिपोर्ट्स लिख कर दें कि भाई इसकी वजह से आपका नेशनल इंटरेस्ट सफर हो रहा है उसकी सिर्फ ये दोनों नहीं आया ये तो पूरा एक ग्रुप लेकर चलते रहे ना मैं तो ग्रुप लेकर छह बंदू परफॉर्मेंस आपको गिनवा सकता हूँ जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के चार चार पांच पांच साल तीन तीन फॉर्वर्ड खेलते रहे कौन, और कौन? फिर जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये नहीं थी कि हमने किस प्लेयर को किस फॉर्वर्ड में ट्राई करना है जो अब हसन अली की मैं सबसे बड़ी आपको एग्जाम्पल देता हूं कि उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दस टेस्ट दस आउट कराची में दस विकेटें लेने के बाद वो आउट ऑफ फॉर्म था कंप्लीटली व्हाइट बॉल में वनडे और टी ट्वेंटी में इन्होंने क्या किया कि उसको तीनों फॉर्मेट खिलाते रहे और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि वो उन दोनों फॉर्मेट में मार पड़ी और तीसरा फॉर्मेट जिसमें उसने दस आउट किए थे और मेरा ख्याल है की पांच छह साल बाद पाकिस्तान का फास्ट वाला वाला पिंडी टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान ने और उसने उसको उस तीनों से बाहर होना पड़ा अभी आगा सलमान आपके सामने एक आइडियल एग्जाम्पल है वो टेस्ट मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसको जबरदस्ती रहे हैं वनडे और टी टु... में और उसमें क्या होगा कि आप उसका जो पूरा कैरियर पर लगा रहे हैं तो अगर एंड रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि वो टी, टी और वनडे के साथ

19 बॉलें फेस करते हैं और 15 रन बनाते हैं उसके बाद दसवें ओवर तक 31 बॉल्स फेस करते हैं 24 रन उसमें जोड़ते हैं उसके बाद पंद्रह ओवर तक 44 बॉल्स पे 36 सिक्स रन बनाते हैं यानी जो अगला आने वाला जो नया लड़का आ रहा होता है उसके ऊपर वो वो प्रेशर डाले जा रहे हैं एक स्टंप माइक पे जो है वो आवाज़ भी सुनाई दी रिजवान की मोस्ट प्रॉबली उस्मान को कहते हुए कि हिट करना फॉरन hmm. आप खुद क्या कर रहे हैं जो आप हिट नहीं कर रहे हैं जो नया लड़का आ रहा है आप तो इतनी देर से अगर क्रीज पे मौजूद हैं कि आपको अब बॉल फुटबॉल लगनी चाहिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी प्लानिंग है और जब कप्तान का ही वो विजन नहीं है कि डीप लेकर जाऊंगा मगर डूब जाऊंगा आखिर में तो फिर फिर क्या कोई कोई तब्दीली तो मुझे नहीं दिखती होती आई थिंक एज ए कैप्टन ना ये जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है वो ये की है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज नहीं है एक्जैक्टलीज हिज जॉब एज ए कैप्टन और उसकी रन्स करने की जो रफ्तार है hmm. वो एक किस्म का एक उसको एग्जीक्यूट करना है अपने जी. प्लान को और जब वो नहीं करेगा एज ए कैप्टन ना तो आप अगर मुझे कहेंगे हिट मार के आउट हो तो मैं अगर हिट मार के आउट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि ड्रेसिंग रूम में आप आके मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते बिकॉज कैप्टन यू नीड टू पुट एन इन फ्रंट ऑफ ऑल प्लेयर्स अब रिजवान का जो प्रॉब्लम क्या आ गया है कि अगर आप पहला बॉल फेस करते हैं और आप फिर आखिरी ओवर तक जाते हैं तो फिर आपको क्रॉस द लाइन लेके जाना है एग्जैक्टली नो डाउट कि उसने कोशिश की मगर कब की जबकि हमारी होने के बाद हमा नहीं, नहीं, हमारी जो आ, आस्किंग आस्किंग रेट रेट है रेट था वो जोकिंग्रह पर चला गया था अब पंद्र... अच्छा खान साहब कथा कलामी की बात चाहूंगा आस्किंग रेट पंद्रह पर चला गया रऊफ साहब ये ये क्या मसला है इसका कि ये जैसे भी खान साहब ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसने क्रीज पर जमे रहना है रंस भी करना है ये क्यों नहीं हो पाता आस्किंग रेट क्यों पंद्रह पर जाता है कि जब आप नौशारिया एक दस से शुरू करते हैं और पंद्रह पर चला जाता है देखिए मेरा ख्याल है कि कि ख्याल है कि जब इनको मैं बार बार इसीलिए बात करता हूँ कि इनको डोमेस्टिक में डालना चाहिए ये आ, इन, ये आपने बहुत बड़े सुपरस्टार्स बना दिए इतने है नहीं है जो हमारे पास में सुपरस्टार्स रहे हैं उनका अगर आप फर्स्ट क्लास रिगार्ड इनके साथ कंपेयर करें तो इनका जीरो के बराबर है किसी के सौ सेंचुरी वो खेल रहे हैं ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसा जो आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना सिखाता है आपको अपने नर्व को कंट्रोल

तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो इंसान को कॉल लेनी चाहिए कि इंटरनेशनल मैचेस फर्स्ट क्लास खेली अच्छी खासी रिजवान ने खेली एक फॉर्मेट बीस फर्स्ट क्लास मैचेस है रिजवान उसके बावजूद लर्निंग तो खत्म हो गया ना अब एक कोई पॉइंट तो आएगा जिसपे कहेंगे अच्छा जी इज नॉट मेड फॉर मूव ऑन तो देखिए ये फिर दो चीजें हैं ना हाँ। या तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए ना जिस तरह की लोग आपके सामने बात कर रहे हैं कि जो इस क्रिकेट का खिलाड़ी है जो जिसको पता है रन जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके जिसको खेलना आता है फिर आप उसको सेलेक्ट करें अगर आपके पास आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जिस पर आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वहाँ से आप प्लेयर ऐसे नहीं निकाल सकते कि जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके आपको टी ट्वेंटी में आपका एसेट बन सकते हैं तो फिर आप उस पर भी पैसा ज़ाया कर रहे हैं फिर आपको उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि आप वहां से प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे और फिर अगर आपके जो प्लेयर्स जो साथ टीम के साथ हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब है अगर वो उनमें एक्सपीरियंस भी है उन्होंने मैचेस भी काफी खेले हुए हैं तो फिर आपकी साइकोलॉजिकल अब की जरूरत है फिर कोई अच्छा साइकिल ड्रेस्ट रखे कि आपको भाई पता मतलब ये तो फिर इसका मतलब है।, मतलब है कि मसाइल बहुत बिखरे पड़े हैं खान साहब जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने बात की है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की है और अगर आपको फिर बड़े फैसलों को दिले रहना फैसलों की जरूरत है फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की अब्दुल अब्दुलरौफ ने बात की लेकिन हमारे नंबर चार पर या पाँच पर अगर देखें तो उस्मान खान खेलने के लिए आ जाते हैं है। तो वो उनका भी वही हाल है तो ये क्या है कैसे फिर इसका क्या मकसद है ये कैसे बढ़ेगा आप अफजा पहले तो ये डिटर्मेंड करें ना कि क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टी ट्वेंटी या वन डे जो हमारी डोमेस्टिक होती है उसमें कितने आपके मौजूदा प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं यू नो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना आप कब सीखते हैं आपका नया लड़का जो है कब सीखता है मुश्किल। मुश्किल के तो वो आपस में आप जितना मर्जी खेल लेक्रूवर स्किल अपना लेवल नहीं बढ़ा पाए exactly, exactly और वो लेवल कब आएगा जब आप अपने ऑपोजिशन बहुत तगड़ी खेलेंगे उस्मान के बारे में क्या राय है आपकी जितनी भी क्रिकेट नहीं मेरा मतलब है कि उस्मान को अगर आप ये समझते हैं नंबर चार या नंबर पाँच पर वो पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल प्लेयर है और वो आपको जिता सकता है तो भाई मेरे ये कहाँ पर है कि वो कब परफॉर्म करेगा वेन इज गोइंग टू स्कोर रन वेन इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन ये चीजें हाफा मैं आपको बताऊँ क्रिकेट में ना इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अन इसके बारे में आप नहीं कर सकते आखिरी ओवर बीसवा मुकीम कर रहा है और मुकीम को तीन छक्के पड़ गए हैं अब मुझे बताएं कि जहां पर 160 पे उन्होंने फिनिश करना था दे फिनिश है 183 तो वो जो 183 का जो हदफ है ना इट बिकम्स अ पैरामाउंट फॉर पाकिस्तान के यार ये अब हम तो पता नहीं ले गया ना फिर उसको आखिरी ओवर आखरी किया, क्यों किया वाई वाई ही वॉज गिवन दी लास्ट ओवर स और शैटरिंगली बच्चा अगर आके जंबावे में बहुत आउटस्टिंग पर्फॉर्मर दी है तो बट इन साउथ फिंगर कंडीशन जो की सेंचुरी की पिच जो थी आइडियल फॉर बैटिंग यू नो बड़ा अलग और रोग रोग बहुत छोटी हैं अब आखिरी ओवर सुफियान तक चला गया काफी ज्यादा डाउट के पहलू निकलते हैं अच्छा है उसकी हुँ. संभावे में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करके आया है yeah. तो आपने किस बेसिस पे उसको बीसवा ओवर करवा दिया और हुँ. आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन है वो स्ट्राइक कर रहा है और उसने उसको हिट आउट करना ही करना है तो आपने फिर उसका बीसवा ओवर क्यों रखा सबसे पहले तो जो आपका जो कोचिंग में जो है आपका बैठा हुआ स्टाफ उस पर आता है कि उन्होंने क्या जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके बाद फिर जो आपका कैप्टन है उसे एग्जीक्यूशन क्या करवाई है अगर ये है तो फिर तो इनसे इनको आप कर कर रहे हैं इनके ऊपर फिर दूसरी जो सबसे सर ने बात की है देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैं आपको बताऊं कि इस दफा 18 टीमें फर्स्ट क्लास खेल रही हैं 18 टीमें और 72 टू का पहला जो फर्स्ट क्लास मायदा बंदों का डेब्यू हुआ है ना ये एक जोक है यार ये तो नहीं, इतने, इतने, ज़्यादा खिलाड़ी की भी हम बात करेंगे अभी हम ब्रेक पर जाएंगे मगर जब वापस आएंगे तो प्रीमियम टूर्नामेंट की तरह अनाउंस किया गया चैंपियंस कप और चैंपियंस कप वो के डेढ़ सौ लाडले प्लेयर्स यानी जो अच्छे प्लेयर्स है वो इसका हिस्सा बनेंगे बट वो जो डेढ़ प्लेयर्स है उनमें कौन टीम्स हैं कौन मेनटोर्स तो हमें पता ही है बट कौन कप्तान है क्या हमारा विजन है टी का ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे इस पर भी डिस्कस करेंगे एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन विद अब्दुल रऊफ एंड अजहर खान साहब और डिस्कशन हमारी यही हो रही है कि क्यों हम अपने यंग प्लेयर्स को प्रॉपरली नर्चर नहीं करते उनको कॉन्फिडेंस देने के बजाय शायद उनकी कॉन्फिडेंस को डिटोरिएट कर देते हैं जिस तरह सुफियान मुकीम आपको आखिरी ओवर हुँ। करते हुए देखे एंड जब डोमेस्टिक की बात करते हैं रऊफ़ आप डोमेस्टिक की बात कर रहे थे इस वक्त प्रीमियम टूर्नामेंट चल रहा है जिसको हाईली रेट किया जाता है पी के लिए वो गोल्डन टूर्नामेंट है डेढ़ सौ लड़के जो कि क्रीम है पाकिस्तान डोमेस्टिक की वो इसका हिस्सा बन रहा है और इस वक्त टी ट्वेंटी फॉर्मेट का वो टूर्नामेंट चल रहा है एंड ये तस्वीर आप लोगों के सामने सबके सामने स्क्रीन पर है और इस तस्वीर में ज़रा देख के ये बताइए कि इसमें ये मेन्टोज तो हैं पाँच मगर पाँच कैप्टन भी हैं जिसमें इफ्तार कैप्टन हैं एक टीम के हक कैप्टन हैं एक टीम के और उमर अमीन है कैप्टन क्या फ्यूचर है इनका ये फोडे की तैयारी के लिए हो रही है ये देखे ना टी ट्वेंटी के डोमेस्टिक <laughs> टूर्नामेंट नर्चर करने के लिए कि कोई कैप्टन की केसी में दिख जाएगी कोई एबिलिटी दिख जाए किसी अच्छा इसमें बेसिकली पता क्या है इन बेचारों का भी इतना कसूर नहीं है क्योंकि ना इनको पता है ना जो ये जो शेड्यूल वगैरह बनाते हैं उनको पता चलता है लेकिन जो उनके पीछे खड़े हुए हैं मतलब जो पीछे खड़े वो बच्चे तो देखे ना वो मैं आपको बताऊँ उनका सीरियसनेस क्या है वो चैंपियंस कप हुआ पंद्रह दिन का टूर्नामेंट था पंद्रह दिन में से पाँच मेंटोर मेंटोर रखे थे एक मैच खेल रहा था उसने यंगस्टर को बाहर किया और मैच खेलना शुरू कर दिया दो मेंटोर अमेरिका चले गए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट पंद्रह दिन का उनके पास टाइम नहीं है और एक ए, मेंटोर मेरा पूरा टूर्नामेंट टीम बॉटम पे आई है इसका मतलब ये, तो उनकी नहीं, साथ रहे ये तो पे है ना हो फर्क नहीं पड़ना अच्छा मैं मेटोर से पहले की बात करता हूँ और ये जो चैंपियंस कप इन्होंने करवाया था ना वनडे वो करवाया इंग्लैंड से टेस्ट मैचेज होने वाले थे उससे पहले इन्होंने

इमामुल हक टी ट्वेंटी का कैप्टन है उमर अमीन टी ट्वेंटी का कैप्टन है इफ्तखार टी ट्वेंटी का कैप्टन है और चले शादाब खान को आप फेवर दे सकते देरफ और शादाब शाद मोहम्मद आरिफ और शादाब खान को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने ये टूर्नामेंट इसलिए डोमेस्टिक ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमने जो यंगस्टर्स हैं उनको ग्रूम करना होता है यंगस्टर्स को आपने ग्रूम सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग बैटिंग में नहीं करना होता सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का कैप्टनसी का प्रॉब्लम है और जब इन इवेंट्स में डोमेस्टिक इवेंट्स में आप अपने बच्चों को ग्रोम नहीं करेंगे हाइएस्ट लेवल पर कैप्टनसी के लिए तो फिर आपके रिजल्ट यही निकलेंगे exactly. कि आपको बीसवा ओवर एक स्पिनर के लिए करवाना पड़ता है hmm. और इससे पहले आपने एव, अमेरिका के खिलाफ भी आपने देख लिया उससे पहले जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया तो ये मेरा ख्याल है कि जो जब आप कोई इवेंट करवाते हैं ना या डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जो आपके लोग होते हैं वो हाईली कैपेबल लोग होने चाहिए जिनकी सर देखे मेरे सामने बैठे हुए हैं बड़ा लंबा अरसा सर किया इनकी बहुत डीप रूट है सिस्टम के अंदर चालीस साल की रूट है ये सिस्टम को जानते हैं पच्चीस तीस साल के सिस्टम्स को और जो एक एक रीजन की उसको भी जानते हैं उसमें क्रिकेट कैसी होती है क्रिकेट करवानी कैसी होती है उस क्रिकेट का हमने

इनको नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान किसको जाके बोलेंगे ना फिर मतलब ये पाकिस्तान के बड़े नाम है ना इनके साथ सब यही सब कुछ कर रहे हैं हाफ साहब इनसे बेहतर तो क्रिकेट को कोई नहीं जानता इन्होंने अगर ये ये कर रहे हैं तो फिर जो कम समझने वाला होगा वो क्या करेगा मतलब फिर तो हम भूल जाएंगे कुछ और मैं वही कहने वाला हूँ कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है इन्होंने अपनी जो एबिलिटी है उसको एनहांस भी किया है एज ए क्रिकेटर भी और एज ए कोच भी अच्छा इन पाँच लोगों का जो Uh, सारा अगर आप इनका पैराफेनीलिया देखें ना मेरा एज ए क्रिकेटर ये है कि ये वो वो खिलाड़ी हैं खिलाड़ी हैं जो कि किसी को भी डांट के हाँ। प्यार से मोहब्बत से काम ले सकते ये हैं। हर चीज़ जो वो कर सकते हैं अगर तो वो कर रहे हैं अगर ये अपना टूर्नामेंट ये, करवा रहे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो गैप आया जिस तरह रोफ ने बताया

कि इस वक्त ये पांचों फ्री थे इनके स्केड्यूल में इस वक्त कुछ और नहीं था इनको अमेरिका नहीं जाना था कोई टी लीग खेलने इस वजह से ये उन्होंने कहा जी अभी करवा लो जो टूर्नामेंट करवाना है बंद करवाओ जो दूसरे दूसरे वो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना क़ायदे आजम ट्रॉफी को तो हमने साइड पे ऐसे करके रख दिया दैट इट डज़ नॉट मैटर क्योंकि अब चैंपियंस कप इज़ द गोल्डन बॉय मगर क्या हुआ अगर आपने इसी थिंकिंग के साथ इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा अच्छा अब मुझे बताएं कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो ऑब्वियसली उनको तो इतना क्रिकेट का पता नहीं है मगर तो इनके नहीं। क्रिकेट इन, का नहीं इन, पता तो। इनके साथ नहीं नहीं। हाँ। ये ये जो पांच लोग हैं ना आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल वो दे शुड पुट डाउन कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने ये झोंक लेके आए hmm. ये बीच में गैप लेके आए यू आर डिस्ट्रॉइंग द फेब्रिक ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक्जैक्ट और उसमें क्या होगा कि आप रऊफ ने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली है अपना इंटरनेशनल भी टेस्ट भी और वनडे भी और फर्स्ट uh, क्लास भी, भी मुझे बताएं हाफिज साहब कि इससे पूछें कि कभी 45 इयर्स ईयर्स में हाँ. पाकिस्तान में जब डिपार्टमेंटल हाँ, हाँ. क्रिकेट आई है कभी कोई चेंज हुई इस तरह की कभी हम अच्छा तो 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 हम बदल बदल दे चले देते हैं एक चीज बदल देते हैं <laughs> दोबारा आते हैं टी के ऊपर कि जो पाकिस्तान कल हारा है, हा है। क्यूँ हार रहा है और इमामुल हक क्या कहते हैं इस बारे में सुन ना लें सुन ले तो सुन लेते हैं जी कि इमामुल हक साहब क्या कह रहे हैं पैकेज है देखते हैं हार पर हार और वो भी लगातार ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी ट्वेंटी मैचेज में टीम कोई भी हो मकान कोई भी हो नतीजा हमेशा एक हार हार और बस हार टीम बदली कप्तान बदले हालात और जज्बात भी बदल कर देख लिए लेकिन नहीं बदला तो हमारी टीम के हार का रुझान हमारी जो टी क्रिकेट जिस तरह दुनिया खेल रहे हमने कोशिश करनी है की वैसे खेले टीम की टी ट्वेंटी रैंकिंग में मुसलसल तनजली के रुझान का जिम्मेदार कौन हमारी क्लासिकल ओपनिंग जोड़ी बाबर और रिजवान या टीम का लड़खड़ाता मिडल ऑर्डर या कप्तानी की सोच जो चेहरे बदलने के बावजूद नहीं बदली ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है कैप्टनशीप में अनफोर्चुनेटली कर पाया एक वक्त में टी क्रिकेट में सबसे फेवरेट समझे जाने वाली टीम पाकिस्तान इस वक्त दुनियाए क्रिकेट में हर नई और कमजोर टीम से हार का सैहरा अपने सर सजा चुकी है क्या होगा हमारी क्रिकेट का मुस्तकबिल इस जवाब के सभी मुंतजर हैं क्या होना जी, क्या है जी मुस्तकबिल हमारी क्रिकेट <laughs> का क्रिकेट का ये जो भाषित साहब ने कहा है कि कप्तान नहीं कर पाया कप्तान भी कल आपको लगा कि वो जो चीजें करनी थी उसने वो नहीं कर पाया देखिए कैप्टन मुश्किल हो जाता है कि बार बार चेंजिंग आप कोचिंग स्टाफ चेंज मैनेजमेंट चेंज प्लेयर्स चेंज फिर कैप्टन की इनपुट उसको प्रेशराइज किया हुआ है इतना ज़्यादा वो उसको भी नहीं पता चल रहा कि क्या हमें नहीं पता चल रहा कि क्या आना और सबसे अच्छी बात सर ने कहा है कि जब हमारा सिस्टम चला रहे हैं बना रहे हैं उनको ही नहीं पता कि हमने क्या सिस्टम बनाना और चलाना है जो हमने जो हमने मैंटोर लगाए हुए हैं वो अपना वो अपना अपना वो देखते हैं शेड्यूल देखते हैं कि हम किस टाइम पे फारेगा उस दौरान में कोई अपना इस तरह का इवेंट करवाएं और अपने पैसों की जस्टिफिकेशन दें और चले जाएँ तो इसमें फिर आप सारा कुछ सारा ब्लेम कैप्टन को नहीं दे सकते देखिए कैप्टन ने आपको बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है जो आपका पूरा सिस्टम चल रहा हो उसका जब तो आपका सिस्टम नीचे से स्ट्रांग होगा तो आपका कैप्टन भी स्ट्रांग होगा उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगी वो सारा सिस्टम लेकर चलेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान का जो कैप्टन होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि उस, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना पूरी आपकी क्रिकेट मतलब वो आपकी क्रिकेट का पूरा मंजरनामा खींच रहा होता है खान साहब कल के मैच में कल के मैच की बात करते हैं अगर एक एक मिनट अब मुझे दे मैं ने जो बात की है ना पैट के मंच हां ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है ना बिल्कुल 23 में वर्ल्ड कप इंडिया में जीता जी। जब वो गया तो कितने लोग थे एयरपोर्ट पर कोई भी नहीं था अपनी ट्रॉली अपनी ट्रॉली अपना सामान हाँ। सवेरा ने बिल्कुल सही कहा वो खुद लेके जा रहा है एंड इज द विनर साल सीएल डब्ल्यूटीसी भी जीता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता है डायरेक्टली उसी साल और आप ये देखें कि ये पहला टेस्ट मैच जो था जो कि पर्थ में, पर्थ, में। पर्थ में इंडिया जीता है हाँ। और जब उन्होंने कम बैक किया है तो हेजन शोन एनी साइन ऑफ यू नो कि मैं उड़ा दूंगा मार दूंगा हेड्स डाउन और उसने अपनी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके पांच आउट करके ना तो इंडिया को बिल्कुल लटा दिया हाँ। तो ये होता है कि आपका जो माइंड है ना उसमें पॉजिटिविटी कब आती है व्हेन यू डोंट सी कॉरिडोर के लोग वहां पर क्या कहते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं यू वांट टू गिव मैक्सिमम और उसमें पैट कम इस वक्त ऐसा क्रिकेटर है जिसको कभी मैंने बूस्ट करते हुए नहीं देखा ही इज ऑलवेज बींग वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दी ऑपोजिशन अपने बारे में वो कहता कि यस वी आर गोइंग टू गिव हंड्रेड परसेंट आगे जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा तो सवेरा ये चीजें जो है ना ये रिफ्लेक्ट क्या करती हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं पर्सनैलिटी को ये रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी जो स्किल है उसको अगर आपका नया गेंद जो है वो पिंक बॉल जी अब इंडिया ये बहाना बना रहा है कि पिंक बॉल का जो मूवमेंट थी वो उनको समझ नहीं आई दिस इज नो एक्सक्यूज ये पिंक बॉल का एक टेस्ट मैच जो है ये काफी पुराना चलता आ रहा है और उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने कम किया बड़े कॉम्प्रीहेंसिवली एंड क्लिनिकली उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता अब यह है

देखिए वही बात आ गई जो अभी अजहर भाई ने भी बात की है कि देखिए जब तक आपका सारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आपकी कोई चीज़ भी बेहतर नहीं होगी ये जो कैप्टन की इन्होंने बताया पैट कम की मिसाल दी है उसके बाद उसने देखा ना कि उसके डिसीजन देखें कि उस ऑस्ट्रेलियन अस्ट्रे, क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के उसने बिचस मार्च को कैप्टन बना दिया फिर उसने टेस्ट मैचेज में चेंजिंग की फिर उसने नए लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया हमारे क्या कर रहे हैं हम अगर किसी को कैप्टन बनाते हैं तो अपने आप को लिंगर ऑन करता जाता है दो दो सीरीज तीन तीन वर्ल्ड कप आ जाते हैं और फिर आप कैप्टनसी छोड़ने को तैयार नहीं होते अभी रिजवान पे अब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत बेहतर करेगा मगर अब देखें कि अब जो आवाम भी बात कर रहे हैं कि आप अपने दोस्त को लेकर ओपन पे आ गए हैं और आप हरदर्मी से कह रहे हैं कि मैंने इसी से ओपन करवा दी है रऊफ एग्जैक्टली exactly तो, ये लग रहा है कि सिर्फ शक्ल बदल गई है एग्जैक्टली exactly उसी तरह कल जिस तरह एग्जीक्यूट हुआ गेम है। वो होना चाहिए ना जिसने आपका करना, mm. टीम डिवेल्प करनी है नए चेहरों को इंट्रोड्यूस कर उसने आपका फ्यूचर बनाना mm. तो मगर ना कोई नया लड़के को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है ना हाँ. कोई नया लड़का आ रहा है ना उसको उसकी प्रॉपर पोजिशन पर खिलाया जा रहा है अगर रसीबुल्ला को आप

मैं आपसे पूछना चाहूंगी शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड पर बहुत बात हो रही थी ऐसा क्यों होता है कि टी में हम शाहीन को देखते कल शाहीन ने अच्छी बोलिंग की मगर वन प्लस की ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ टी ट्वेंटी में 140 प्लस वो करते हुए दिखते हैं जैसे ही लॉन्गर फॉर्मेट हिट करते हैं उनकी पेस कम हो जाती है कि अभी भी डर रहे हैं वो अपने घुटने पे वजन देते हैं देखिए बिल्कुल लोग टी ट्वेंटी में आप एक आध ओवर में आप जोर लगा के चले जाते हैं आपके बैल मैकानिक बार दफा ठीक हो जाते हैं मगर वो कंसिस्टेंट वन नहीं कर रहे थे सिर्फ एक या दो बोले उनकी वन को टच किया और उसके बाद वो वापस वापस आ गए वन थर्टी पे वो बॉलिंग करते रहे और जैसे ही जब वो ये वनडे या उस पर टेस्ट मैचेज में जाते हैं तो इनके माइंड में एक चीज आ जाती है कि मुझे लंबे ओवर करने अपनी एनर्जी सेव करनी होती है तो वो जो 138 वाली पेस है वो भी वापस 130 भी आ जाती है इसका मतलब है कि जो आपका पूरा बायम करने का वो पूरा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा उसको दोबारा ठीक करने की जरूरत है मगर बजाय कि उसको आप रेस्ट देकर देखे, उसको देखें दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं या तो आप उसने जल्दी जल्दी में खेल के सारे फार्मेट खेल के अपना कैरियर जल्दी ख़त्म करना है जल्दी पैसे कमाने हैं और बाहर निकल जाना तो फिर ठीक है खेलता जाए अगर उसने अपने आप को एक, एक स्टैब्लिश करना है एक टॉप क्लास बॉलर जिस तरह स्टार्ट में हैं तो फिर उसको रेस्ट चाहिए बग़ैर रेस्ट के बगैर रीहेबिलेशन के बगैर बगैर अपने एक्शन के जितने बायोमकैनिक्स हैं जो जो बॉलिंग की कमिस्ट्री है उसको ठीक है बगैर वो कभी भी वापस वन फोर्टी नहीं जा सकता खान साहब खान साहब दो खान साहब बैठे हुए सामने बड़े खान साहब आपसे सवाल है बड़े खान साहब ये आप ही दूसरी बड़े खान, खान साहब जैसे मिड स्टार्क का जिक्र किया है अभी शाइना अफरीदी के साथ 2015 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मा बैन वहाँ पर भी पहले ओवर में मैच उन्होंने अस्सी अस्सी ख़त्म कर दिया ब्रांडन मैकलम को आउट करके मिड स्टार्क ने चौबीस दो में भी ने जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेला है नौ साल में मिट स्टाक तो नीचे नहीं आया ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर पाँच पाँच चार चार साल की इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपायरी इतनी कम क्यों होती है आप आपने फ्रेड ट्रूमैन का नाम सुना होगा फ्रेड 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 ट्रूमैन 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 जो था ना वो इंग्लैंड के ऐसे बॉलर थे जिन्होंने थ्री हंड्रेड विकेट जो हुई हैं वो ली हुई हैं तो मैं एक इंटरव्यू उनका आई वॉज इन इंग्लैंड एट दैट टाइम तो मैं सुन रहा था तो उन, किसी ने उनसे सवाल किया कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टेस्ट क्रिकेट तो उन्होंने जवाब दिया कि इफ आई डोंट बोल 300 हंड्रेड ओवर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन काउंटी क्रिकेट थिंग्स ओवर्स थ्री हंड्रेड ओवर्स आई एम नॉट रेडी फॉर टेस्ट मैचेस यू आपने अपने सवाल का शहनशाहफरीदी का जो इन्होंने बात बायोमकैनिस्ट की है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हुँ. अगर आप चलें उस टूर्नामेंट को छोड़ दें सरफराज नवाज की आप बड़ी माशाल्लाह बात करते हैं हुँ. तो सरफराज नवाज का जो बॉलिंग का जो स्ट्रक्चर था ना हाँ. वो ऐसा था कि वो नेट में पहले से ले कर बारहवीं या चौदहवें खिलाड़ी को ना वो बॉलिंग करते रहते थे यू आप अपनी जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है ना उसको एनहांस करने के लिए जब तक आप बॉलिंग नहीं करेंगे आपके मसल्स डेवलप नहीं करेंगे घुटने का इन्होंने प्रॉब्लम बताया बायो बायोमैकेनिक्स का प्रॉब्लम बताया टी ट्वेंटी में एक बॉल पर जोर लगाया हंड्रेड फोर्टी हो गई एंड इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इन टेस्ट मैचेज इफ यू डोंट बॉल अब रिचर्ड हेडले जो था आप मुझे बताएं कि वो छः ओवर करता होता था पहले स्पेल में उसका बॉल इतना इतना आउट सिंगर करता होता था रिचर्ड हेडले जब भी आउट करता था ना अगर उसे छवें ओवर में आउट किया है तो ही इज़ नॉट अलाउड टू बोल सेवन सेवन अक्टूबर उसने फिर फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड में

<laughs> कोई कहता है कि नहीं जी बीमारी है और बीमारी से फिटनेस चेक करने के लिए वो चैंपियंस कप का हिस्सा बने हैं बट जो मिस कर रहे हैं फखर जमान को उनका क्या कहना है वो सुनते हैं फखर जैसा स्ट्रा, स्ट्राइकर या फिर जो आपको हार्ड हिटर हमारे पाकिस्तान टीम में इस वक्त और कोई भी नहीं है फखर जमान बहुत जरूरी है जी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी है फखर जमान के बगैर आपकी टीम कंप्लीट नहीं है यंग टैलेंट जब तक तो नहीं आएगा तब तक तो फ़ायदा नहीं है वो बार बार उनको खिलाते रहेंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो उसकी वापसी होनी चाहिए जी फखर जमान की टीम में वापसी होनी चाहिए वो अच्छा प्लेयर है

देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बेहतर जानता है कि उनको फील हो रही है अच्छा उनको हो रही है या नहीं हो रही है <laughs> क्योंकि जब उनको जरूरत होगी वो उसको वापस ले आएंगे मगर मेरा ख्याल है कि देखें यही चीज होती है ना कि जब तक आपके पास एक्सपर्ट नहीं होगी वो आपको सही राय नहीं देंगे अब ये फ़खर जमान टाइप जो प्लेयर्स होते हैं ना इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है वजह क्या कि ये टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है ये हैंड आई कोर्डिनेशन पर खेलते हैं आई साइड पे खेलते हैं है और इनकी जो बैट स्पीड है उस पर खेलते हैं बैट है। की स्विंग पे अब देखिए जैसे ही इसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा ना फिर ये हमारे लिए फायदा मंद नहीं रहेगा क्योंकि इनकी टेक्निक जिनकी टेक्निक अच्छी है ना वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम जितना उनको ज्यादा टाइम मिलता है बैट्समैनों को एज बढ़ती है वो ग्रोम होते जाते

प्रॉब्लम है कि वो सिलेक्शन कमेटी में से एक दो जो बंदे हैं वो जाकर ग्राउंड में जाकर बैठें उसकी फिटनेस लेवल देखें उसका एग्जीक्यूशन देखें उसके स्किल लेवल पर बात करें उससे बात करें उससे पूछें क्या फील कर रहे हो सारा दिन बैठ कर आप असेस करें कि इसका फिटनेस लेवल क्या है एक सिलेक्टर हेड कोच है नहीं मैं तो वो कह रहा हूँ कि हेड कोच जो है ना वो तो वहाँ पर बैठा हुआ है ना बाकी तो आपके सिलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं तो ये वॉट इज द जॉब ऑफ अ सिलेक्टर दिस जॉब इज़ टू गो इन टू द क्रिकेट ग्राउंड गो एंड वॉच दैट पर्सन अब फख्र जमान की इतनी बात हो रही है भाई मेरे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपने ग्राउंड में जाकर उसको ऑब्जर्व करना है असर्स hmm. करना है उसकी फिजिकल फिटनेस को असर्स करना है उसकी जो

फिर भी ये मामला सेट नहीं होगा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बींगोर का जोर का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए अपना बहुत ख्याल रखेगा टेक केयर बाय अल्लाह हाफिज